आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात महर्षि चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। प्राचीन साहित्य में इन्हें शेषनाग का अवतार बताया गया है। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैद्यक का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ, इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के उपयोग का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद का सबसे प्राचीन विश्व विख्यात सर्वमान्य एवं महानतम चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता है और चरक ऋषि इस ग्रंथ के रचनाकार, आयुर्वेद के जनक एवं विश्व के सर्वप्रथम चिकित्सक माने जाते हैं। चरक संहिता के 120 अध्यायों में 12,000 श्लोकों में लगभग 2,000 औषधियोगों की विस्तृत व्याख्या के साथ चिकित्सा शास्त्र एवं संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित है, लेकिन आयुर्वेद के इतिहास में चरक संहिता के रचयिता एवं आयुर्वेद के जनक चरक ऋषि के अस्तित्व को लेकर लगभग 2,000 वर्षों से इतिहासकारों और विद्वानों के बीच विरोधाभास की स्थिति रही है, क्योंकि ऋषियों ने कभी अपने परिचय के संदर्भ में या अपने स्थान के संदर्भ में बहुत कुछ अपने ग्रंथों में वर्णन नहीं किया है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। एक मत के अनुसार चरक व्यक्ति न होकर कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का नाम है और चरक संहिताश का संकलन उसी शाखा के किसी व्यक्ति ने किया हो। जो भी हो, चरक के ग्रंथ की ख्याति विश्वव्यापी रही है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों का भी उल्लेख है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठ के की एवं विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया।